नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूँ संदीप। जैसा कि हमने अभी मध्य प्रदेश जीके की जो क्लासेस स्टार्ट की है उसके अंतर्गत हमने अभी मध्य प्रदेश के प्रमुख जो सांस्कृतिक संस्थान थे वो वाला टॉपिक या फिर कला संस्कृति वाला जो पूरा सब टॉपिक था उसको कम्प्लीट किया। आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, वो टॉपिक हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थल वाला जो टॉपिक है उसको शुरू करने से पहले अगर देखें तो आपकी जो तैयारी है आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि आपकी जो वैकेंसी है वो आने वाली है। वैकेंसी कभी भी अनाउंस हो सकता है। आपको अपनी तैयारी ऐसे रखना है कि कल एग्जाम है और आज आप बिल्कुल प्रिपेयर होके बैठा है। तैयारी करना है, एक बार करो, लग के करो। ऐसा नहीं कि हमको इस बार कर लिया फिर अगली बार फिर अगली बार, उससे अच्छा है कि एक बार करो और अच्छे से तैयारी करके निकल जाओ। तो टॉपिक क्या है, मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थल की जब बात करें तो ये वाला जो टॉपिक है हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाएगा, क्योंकि इसलिए इस टॉपिक के माध्यम से आपका फैक्चुअल डाटा निकलेगा। साथ साथ अगर राज्य की बात करें तो हमारे राज्य को पर्यटन से बहुत ज़्यादा फायदा है, क्योंकि पर्यटन का हमारी जीडीपी में भी महत्व है। हमारी जीडीपी की जो ग्रोथ है वह भी पर्यटन के द्वारा होती है, क्योंकि आपको पता होगा विभिन्न प्रकार के जो पर्यटन संस्थान है हमारे राज्य में वहाँ से आपका विभिन्न प्रकार के टैक्स भी मिलते हैं। साथ साथ पर्यटकों के आने जाने से विभिन्न प्रकार की जो वृद्धि है वहाँ भी इकट्ठी होती है। तो उन सबको देखते हुए आपका जो पर्यटन स्थल है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाएगा। अब क्या हुआ, हमारे राज्य में पर्यटन का जो क्रम था इसको विकसित करने के लिए हमारे राज्य ने मध्य प्रदेश शासन के द्वारा एक निगम की स्थापना की गई। उस निगम का नाम था मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम। इसको हम देखेंगे क्या है, हमारे राज्य के द्वारा पर्यटन की गतिविधियों को विधिवत रूप से संचालित करने के लिए एक निगम की स्थापना की गई और उस निगम का नाम रखा मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम। ध्यान से देखिएगा, मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम। अब आपसे सीधा क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई, तो आपको सीधा बताना है 1978 में। ठीक है, आपका एक डाटा यहाँ से निकल गया। अब देखिए, मध्य प्रदेश सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या था इस निगम के माध्यम से, कि जो भी पर्यटन स्थल है उनको बढ़ावा देना, साथ में उनका रखरखाव करना, साथ में वहाँ पे ऐसी चीज़ों को निर्मित करना जिससे पर्यटक अधिक मात्रा में आकर्षित हो सके। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1978 में की गई। अब क्या हुआ, पर्यटन का क्रम ऐसे ही चलता रहा, अर्थात ये जो निगम था ये पर्यटन की जो एक्टिविटी थी उनको संचालित करता रहा। फिर सरकार के द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रकार की नीतियाँ बनाई गई, क्योंकि आपको पता होगा कि सरकार नीतियाँ बनाती है, नीतियों में इम्प्लीमेंट करती है, फिर देखती है पिछली वाली नीति में क्या कमी रह गई थी कि इसको और बढ़ा के इन चीज़ों के महत्व को और बढ़ाया जा सके। तो वो सारी चीज़ें सरकार के द्वारा जो नीतियाँ संचालित की जाती है उनके माध्यम से की जाती है। तो जो नीति के क्रम में देखें, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा प्रथम पर्यटन नीति लाई गई। ध्यान से देखिएगा, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा आपकी जो प्रथम पर्यटन नीति थी वो 1995 में लाई गई। देखिए, आपके क्वेश्चन यहीं से बनने हैं। आपका एक और क्वेश्चन बन गया कि मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नीति कब लाई गई, तो आपका सीधा क्वेश्चन बन गया कि 1995 में। अगला क्वेश्चन बना इको एवं एडवेंचर पर्यटन नीति। देखिएगा, इको एवं एडवेंचर पर्यटन नीति जो थी आपकी कब लाई गई, तो आप बता देंगे कि 2000 में। ठीक है, आपकी दो नीतियां हो गई। मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नीति कब लाई गई, तो आपने बता दिया 1995 में। अगला क्वेश्चन बना कि इको एवं एडवेंचर पर्यटन नीति कब लाई गई, आपने बता दिया कि 2000 में। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन बना हेरिटेज पर्यटन नीति। देखिएगा, हेरिटेज पर्यटन नीति कब लाई गई आपकी, 2002 में। हेरिटेज पर्यटन नीति आपकी 2002 में लाई गई। अब देखिए, यहां प्रथम पर्यटन नीति थी। अब ये जो पर्यटन नीति थी इसको थोड़ा और इम्प्लीमेंट किया, मतलब नवीन पर्यटन नीति की जब बात करी तो आपकी 2010 में लाई गई। नवीन पर्यटन नीति 2010 में लाई गई, इसमें 2012 में फिर संशोधन किया गया। ठीक है, 2010 में नवीन पर्यटन नीति लाई गई, 2012 में इसमें संशोधन किया गया। अब क्या हुआ, यहाँ चलती रही,
इसके बाद 2016 में, 2016 में आपकी वर्तमान पर्यटन नीति जो कि अभी जो चल रही है वहां आपकी 2016 में बनाई गई। ये जो पर्यटन नीति है यहाँ आपकी 5 वर्ष के लिए, कब के लिए? 5 वर्ष के लिए, अर्थात 2021 तक आपकी यही पर्यटन नीति रहने वाली है। अब देखें पर्यटन नीति के माध्यम से होता क्या है कि जैसे कि कोई भी हेरिटेज स्थल है, हेरिटेज स्थल है उसमें बहुत अच्छा है, वहाँ पे बहुत सारी रोचक चीजें हैं देखने के लिए भी अच्छी, लेकिन वहाँ पे जाने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहाँ पे ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है जिससे जो पर्यटक आए और उस गंतव्य स्थान को पहुँच सके, तो उन सारी चीज़ों के लिए आपकी जो नीतियाँ हैं बनाई जाती है। साथ में वहाँ पे विभिन्न प्रकार के जैसे आपका जो होटल है होटलों को विकसित करना, या फिर जो प्राइवेट व्यक्ति उनको होटलों के निर्माण के लिए बढ़ावा देना, तो इसके लिए सरकार क्या करती है कुछ पर्यटन स्थल को, देखिएगा कुछ पर्यटन स्थल को उदारीकृत करती है। उदारीकृत का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति को दे दिया, कह दिया उनसे कि हम आपसे इतना इसका टैक्स या जो भी वसूलेंगे, लेकिन आप ये जो प्लेस जो है इसको पूरी तरह सुरक्षित रखिए, यहाँ की साफ सफाई हो, यहाँ की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सारी जिम्मेदारी आपकी रहेगी, तो उन चीजों के तहत सरकार ये वाला काम करती है। तो उससे होता क्या है वो जो स्थान है वहां भी सुरक्षित रहेगा, साथ में वहां से सरकार को जो वृत्ति है या फिर धन है वहां भी अत्यधिक मात्रा में प्राप्त होगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार कुछ स्थानों का उदारीकरण भी कर देती है जिससे सरकार को भी फायदा रहता है और साथ में वो जो संपत्ति है वहां भी सुरक्षित रहती है। अब इसी क्रम में थोड़ा सा आगे बढ़े, जब से हम देख रहे हैं कि पर्यटन स्थल पर्यटन स्थल, तो ये जो पर्यटन स्थल है इनका चुनाव करने का सरकार का तरीका क्या है, किन आधार पर सरकार ने जो विभिन्न प्रकार के जो पर्यटन स्थल है इनका चुनाव किया है, तो उनको हम देखते हैं। उनको देखने से पहले एक बार फिर से इसके रिवाइज कर देते हैं, फिर इसको हटाएंगे। हमने देखा कि मध्य प्रदेश की पर्यटन संबंधी नीति देखी, पर्यटन संबंधी नीति में सबसे पहली आपकी जो पर्यटन नीति थी वो क्या थी, 1995 में आपकी मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नीति आई, ध्यान से देखिएगा। अगला है आपका इको एवं एडवेंचर पर्यटन नीति, तो वो आपकी 2000 में आई। अगली आती है आपकी हेरिटेज पर्यटन नीति, आपकी 2002 में आई। इसके बाद आता है आपका नई पर्यटन नीति या फिर नवीन पर्यटन नीति, आपकी 2010 में आई, जिसको 2012 में संशोधित किया गया। इसके बाद हुआ कि जो वर्तमान पर्यटन नीति है वो आपकी 2016 में आती है और ये जो पर्यटन नीति है 5 साल के लिए क्रियान्वित रहने वाली है। इसके साथ हमने देखा मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई, तो आपके 1978 में मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई। अब क्या करेंगे हम, इसके बाद राज्य सरकार के द्वारा या फिर हमारे राज्य सरकार के द्वारा ये जो पर्यटन स्थल है इनको जो विभाजित किया है किन किन आधार पर किया है वो हम आज के इसमें देखेंगे। तो उसी क्रम में अगर सबसे पहले देखें तो राज्य शासन के द्वारा अर्थात मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, राज्य शासन के द्वारा पर्यटन स्थल को 4 प्रकार से विभाजित किया गया। देखिए ध्यान से देखिए, आपका एक और क्वेश्चन बन गया, 4 प्रकार से विभाजित आपका किया गया। अब वो जो 4 प्रकार से विभाजित किया गया वो कौन कौन सा है देखिएगा, मध्य प्रदेश शासन या फिर राज्य शासन के द्वारा पर्यटन स्थल को 4 प्रकार से विभाजित किया गया, ठीक है, 4 प्रकार से विभाजित किया गया। वो क्या क्या है, सबसे पहला आएगा आपका ऐतिहासिक, देखिएगा ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल, यहीं से हम चीजों को यूनेस्को से लिंक करने की कोशिश करेंगे। वो कैसे करेंगे, पहले हम इनको देखेंगे उसके बाद हम वहां जाएंगे। ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल, ठीक है, पुरातात्विक स्थल एक तो आपका ये हो गया, एक सिलेक्ट करने का तरीका। अगला जब देखें तो अगला आता है आपका प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर, प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पे, ठीक है। अगला आएगा आपका धार्मिक महत्व के आधार पर, तो ये आपके इस प्रकार से महत्व के आधार पर,
तो इस प्रकार से आपके चार प्रकार के हो जाएंगे। अगला आता है आपका राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो देखें मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के पर्यटन स्थल है इनको चार आधार पर वर्गीकृत किया। वो चार आधार पर वर्गीकृत करने का कारण यहाँ है कि आपको पता हो हमारे राज्य में विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, जैसे कि आपके हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई, सभी धर्म के लोग अधिकतर हमारे राज्य में मिल जाएंगे। तो उनसे संबंधित विभिन्न प्रकार के पर्यटन स्थल भी हमारे राज्य में, तो उसी के आधार पे इनमें सारी चीजें सम्मिलित हो जाएगी। जैसे कि आपकी ऐतिहासिक एवं पुरातत्व की जब बात करें तो कोई सी भी पुरानी चीज जैसे आपकी भीमबेटिका हो गई, उस तरह की जो स्थल है वहाँ आपके ऐतिहासिक एवं पुरातत्विक में आ जाएंगे। इसके बाद आता है आपका प्राकृतिक सौंदर्य। प्राकृतिक सौंदर्य जैसे आपका पंचमढ़ी हो गया, धूपगढ़ हो गया, तो यहाँ आपका प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर आ जाएगा। अगला आता है धार्मिक महत्व का, जैसे कि विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के मंदिर हैं तो वो आपके धार्मिक स्थल के आधार पर आ जाएंगे, अर्थात धार्मिक महत्व के आधार पर आ जाएंगे। जैसे क्योंकि मंदिरों की कोई कमी नहीं है हमारे यहाँ पे, तो मंदिर जो है हमारे धार्मिक महत्व में आ जाएंगे। इसी प्रकार अगला आता है राष्ट्रीय महत्व के आधार पर या फिर राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान में जैसे आपका काला किसकिया हो गया, पेंच हो गया, ठीक है, बांधवगढ़ हो गया, ये जो है आपके राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश शासन ने या फिर राज्य शासन ने चार आधार पर पर्यटन स्थल को विभाजित किया। ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव भी आएगा और जो सीधा फैक्चुअल डाटा है वो भी निकल सकता है। तो ऐतिहासिक एवं पुरातत्व के आधार पर, प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर, धार्मिक महत्व के आधार पर और राष्ट्रीय उद्यान के आधार पर। अब हम क्या करें, हमने बोला था कि यूनेस्को, यूनेस्को होता क्या है। यूनेस्को की जब बात करें तो यूनेस्को एक संस्थान है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी पर्यटन स्थल है उनको चुनाव करने का काम करता है या फिर उनके महत्व को बढ़ाने का, उनको प्रोत्साहित करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, यूनेस्को के द्वारा। तो इसी क्रम में क्या होता है कि हमारे राज्य में तीन स्थल ऐसे हैं, देखिएगा, ये हो गया आपका यूनेस्को, ठीक है, ये हो जाता है आपका यूनेस्को। तो यूनेस्को की जब बात करें तो यूनेस्को के द्वारा हमारे राज्य अर्थात मध्य प्रदेश के तीन स्थानों को चुना गया है, ठीक है, तीन स्थान को चुना गया है। अब वो जो तीन स्थान है उनसे क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, साथ में कहाँ स्थित है वो भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले उसी क्रम में अगर देखें तो सबसे पहले जो आपका आता है वो आता है आपका खजुराहो। यहाँ देखते हैं यूनेस्को की सूची में मध्य प्रदेश के जो तीन स्थानों का चुनाव किया गया है वो जो उनको अगर देखें तो सबसे पहले आएगा आपका क्या आएगा आपका खजुराहो। खजुराहो देखो, अब क्वेश्चन यहाँ बनेगा आपका, एक तो क्वेश्चन यह होगा कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा स्थान है जिसको सबसे पहले यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया, तो वहां बन गया आपका खजुराहो। अब आपको यह पता होना चाहिए हमने लिखा है खजुराहो, तो खजुराहो का जो चुनाव किया गया है, खजुराहो को जो चिन्हित किया गया है वो कब किया गया, तो आपका हो जाएगा 1986 में, देखिए 1986 में आपका खजुराहो को यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया। खजुराहो कहाँ है, छतरपुर में, साथ में खजुराहो से संबंधित जो भी पर्यटन स्थान है उनको हम बाद में देखेंगे, अभी हम सिर्फ यहाँ देख रहे हैं यूनेस्को की सूची में जो तीन स्थानों को सम्मिलित किया गया है वहाँ कौन कौन से हैं, तो वो है आपके खजुराहो हो गया। अगला आता है आपका नंबर दो को आ जाएगा आपका सांची, ठीक है, सांची। सांची भी आपका बौद्ध धर्म से संबंधित एक पर्यटन स्थल है जो कि आपको पता होगी जो अशोक महान सम्राट थे उनके द्वारा वहां पे बौद्ध धर्म के स्तूप का निर्माण किया गया है। तो इसकी जब बात करें तो इसको 1989 में, कब, 1989 में आपका विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया। तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा दूसरा कौन सा स्थान था जिसे कि यूनेस्को द्वारा सम्मिलित किया गया, तो वो हो जाएगा आपका सांची 1989 में। अगला आता है आपका
भीम बेटी का, भीम बेटी का आपको पता हो तो भीम बेटी का की जो गुफा है आपकी भोपाल से 40-45 किलोमीटर दूर पड़ती है। तो इनकी जब बात करें तो इनको 2003 में आप जो भीम बेटिका की गुफाएं हैं इनको विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को का मुख्य उद्देश्य यहाँ होता है कि अब ये जो पर्यटन स्थल है इनके जो पर्यटक का रूप है उसको बढ़ावा देंगे, साथ में यहाँ पे ऐसा कुछ विकास करने की कोशिश करेंगे जिससे यहाँ पे अधिक से अधिक पर्यटन आकर्षित हो सके। तो हमने देखा मध्य प्रदेश ने पर्यटन से संबंधित जो नीतियाँ थी वो देखी, नीतियाँ कितनी थी कि मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नीति आपकी 1995 में आई, इको पर्यटन नीति देखी हमने 2002 में, उसके बाद हमने हेरिटेज नीति देखी, उसके बाद देखा नवीन पर्यटन नीति जो आपकी 2010 में आती है और उसमें 2012 में संशोधन किया गया, उसके बाद हमने देखा कि जो वर्तमान पर्यटन नीति मध्य प्रदेश की वो कब आई तो हमने देखा 2016 में, और ये जो पर्यटन नीति है यहाँ आपकी 5 साल के लिए क्रियान्वित रहने वाली है। पर्यटन नीति का उद्देश्य क्या होता है वो देखा कि इनका उद्देश्य यहाँ होता है कि पर्यटन स्थल को मुख्य रूप से बढ़ावा देना, वहाँ का रखरखाव करना, लोगों को वहाँ पे आने के लिए आकर्षित करना, वहाँ आपका इनका उद्देश्य हो जाएगा। साथ में हमने देखा मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम, मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना देखी, स्थापना कब हुई 1978 में, तो वो आपकी स्थापना हो गई। इसके बाद हमने देखा मध्य प्रदेश में जो पर्यटन स्थल है उनको कितने आधार पर बांटा गया, तो वो आधार थे आपके 4 प्रकार के, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक, अगला देखा हमने धार्मिक आधार पे, उसके बाद हमने देखा राष्ट्रीय वन एवं उद्यान के आधार पे, इसके अलावा एक और भी हमने देखा वो था आपका प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पे। ऐतिहासिक आधार पे किस प्रकार के थे वो हमने देखा कि जो पुराने हैं जैसे आपकी भीम बेटी का हो गए ये आपके पुरातात्विक आधार के हो गए, प्राकृतिक में आपका पंचमढ़ी हो जाएगा, धार्मिक महत्व में आपका जो विभिन्न मंदिर है हमारे वो आ जाएंगे, और राष्ट्रीय उद्यान में आपके जो विभिन्न राष्ट्रीय उद्यान है उनको सम्मिलित किया गया। इसके बाद हमने देखा मध्य प्रदेश के 3 ऐसे संस्थान हैं जिनको यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया, वो 3 स्थान कौन कौन से हैं, वो 3 स्थान थे आपके खजुराहो, भीम बेटिका और सांची। खजुराहो की जब बात करें तो 1986 में इसको चुना गया, इसके बाद आपका जो सांची आता है सांची आपका 1989 में हो जाएगा, इसी प्रकार आपका आता है भीम बेटिका। तो भीम बेटिका की जब बात करें तो यहाँ आपका 2003 में विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है। आज हमने सिर्फ इसका ओवरव्यू देखा है, नीतियाँ निगम पर जो पर्यटन है उसको चुनने का आधार क्या होता है वो देखा, अगली जो क्लासेस रहने वाली है उसमें हम मध्य प्रदेश के जो भी पर्यटन स्थल है उनको हम देखेंगे, जैसे कि आपका पचमढ़ी हो गया, छतरपुर हो गया, चित्रकूट हो गया, अमरकंटक हो गया, वो सारे जो स्थान है उनको हम अगली क्लास में देखने वाले हैं।